सामने एक छोटी सी परीक्षा है मंत्रिमंडल विस्तार की, जिस और पूरे झारखंड की नजरें हैं, कब विस्तार करेंगे? देखिए, मंत्रिमंडल बहुत जल्द विस्तार किया जाएगा और इसमें कोई रेस और कोई ये नहीं है। हमारा आलाकमान जो निर्णय कर देता है वो सर्वोपरि होता है, उनका भी है। इसलिए सरकार बहुत जल्द हम लोग निर्णय लेकर बनाने के काम करेंगे और शपथ भी दिलाएंगे सभी मंत्री को, सरकार में कोई दिक्कत है ही नहीं। सर, एक सवाल, जो पिछली बार एक बर्थ खाली था, क्या इस बार कंप्लीट कैबिनेट दिखेगा? उस पर चर्चा हो रही है, उस पर भी चर्चा चल रही है। सर, आप क्योंकि अपने दल के नेता भी हैं विधायक दल के, कांग्रेस किसी तरीके का बदलाव करेगी या फिर सभी वही चार मंत्री? देखिए अभी हमारा राहुल जी का यात्रा चल रहा है, आज समाप्त होगा, कल परसों से हम लोग का दिल्ली से वार्ता होगी और हमारा निर्णय दिल्ली से ही होती है। इसलिए हर चीज़, हर बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे, वो सारे बात तो दिल्ली निर्णय करते हैं। हम लोग को जो फीडबैक देना होता है या पूछते हैं उसको हम उसके जवाब देंगे। आज से कौन जी के सेरेमनी के लिए? नहीं, अभी नहीं माना, जब तक हम लोग उनके पास नहीं भेजेंगे, जब तक दोनों दल का बैठकर बात नहीं हो जाएगी। जैसे आपने उठाया 11-12 उसका भी चर्चा होगी। दूसरी बात क्या है कि हमारा दल में कितना माने कौन कौन लेंगे वो उसका भी बात होगी। तो सारे बिंदुओं को बात कर विचार करके ही उसका हम लोग निर्णय लेंगे और बहुत जल्दी भी हम लोग कोशिश करेंगे नियम के अनुसार जो हाउस बुलाएं और हाउस पर चर्चा हो बने, जो अगले 2024-25 का जो बजट है उसको पेश करें, जो अगर सप्लीमेंट्री बजट रहेगा उसको भी हम लोग पहला दिन ही हम लेने के काम करेंगे। अब हम लोग माने कोशिश करें, जो नियम है कि 9 से 29 को पहले हम लोग ने घोषणा भी किए थे कि हम विधानसभा चलाएंगे, अब 9 तो नहीं हो पाएगा और हमारे यहाँ जो प्रश्नकाल भी होता है जिसका 14 दिन टाइम भी होता है, इसको देखते हुए यह कहा जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है जो 23 फरवरी से हम लोग उसका शुरुआत कर, संभावना है कि 23 शुरू करें और फिर मार्च तक आगे जितना कर पाएंगे करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।